उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, जहां मनमाने तरीके से कॉलोनी एडवाइज़र लोगों को गुमराह कर प्लांट बेच रहे हैं। ऐसे ही एक कॉलोनी में बने हुए मकानों पर बाबा का बुलडोजर चल गया और वहां पर बने हुए मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। अवैध निर्माणों पर इस समय योगी सरकार काफ़ी सख्त है। ऐसे निर्माणों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। ऐसा ही नज़ारा गुरुवार को थाना मठसेना के रसीदपुर कनेटा में देखने को मिला, जहां पर विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास कराए बिना ही बन रहे मकानों पर बाबा का बुलडोजर चल गया। इस कॉलोनी में बने हुए मकानों को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। मौके पर पहुंचे विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और SDM सदर राजेश कुमार ने कहा कि अवैध रूप से मकान बनाने वालों पर लगातार बुलडोजर चलते रहेंगे, इसलिए मकान बनाने से पहले उसका नक्शा जरूर पास कराएं। ग्राम कनेटा है और यहाँ जो प्लाटिंग किए हैं दिनेश राठौर हैं, इनको पहले भी मना किया गया था कि अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं, प्लाटिंग न करें, लेकिन नहीं माने। ये काउंटी सेंटर के लिए इलाके थे, लेकिन ये प्लाटिंग काटते रहे, इनको नक्शा पास नहीं हुआ बताया गया, लेकिन ये नहीं माने और सबको जो है प्लाटिंग कर दिए, लोग मूर्ख बनाए। ऐसी स्थिति में फिर इनको जो है नौकरी दे करके भाई जो है उनका प्रतिक्रण कर रहे हैं। अभी तक आपने कितने भवन और कितनी जगह चिन्हित की है? मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी 8 तारीख को ही ज्वाइन किया हूँ और मैं करीब आठ जगह मैं चिन्हित किया हूँ, जिसमें मैं कुंडला में गिरा चुका हूँ, पाबुलर एजेंसी गिरा चुका हूँ। दूसरा ये है सर, अभी यहाँ पर कनेटा पर कितने अवैध निर्माण बने हुए? अवैध यहाँ पे 5 आवास बने हैं, जैसे परिवार लोग रह रहे हैं, इनको समय दिया गया है कि अपना समय रहते हुए अपना जो है निस्तारण कर लें। सर एक अहम सवाल, देखा जाता है कि ये भवन बन जाते हैं उसके बाद इसको गिराया जाता है, पहले से अधिकारी नहीं जानकारी करते? नहीं नहीं, अधिकारी जानकारी करते हैं और अधिकारी उनको बताते भी हैं, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। उनको बताया जाता है कि ये विकास प्राधिकरण क्षेत्र में है, इसके बाद भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब ये कार्रवाई होती तब उनको जो है जरूरत होता है। ठीक है जी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।